हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूँ प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम ये चैप्टर देखने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वो मैं एक ही लेक्चर में आपको इसका बेसिक भी और जितनी भी इसमें एक्सरसाइज है सारी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझिए। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आज हम एक क्लास में ही इसको आज खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 का पहले हम बेसिक समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, पहले हम इसका बेसिक देखेंगे। तो अब बेसिक देखने से पहले कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हम जब इसको पढ़ेंगे तब हमको यहाँ पर ये शब्द देखने मिलते हैं, तो हमको वहाँ पर इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला टर्म क्या हो गया? देखो 2D। ठीक है, पहला टर्म क्या हो गया? 2D। 2D को हिंदी में बोलते, 2D का जो फुल फॉर्म है वो है 2D। ठीक है, 2D मोशन हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय गति। ठीक, तो जो मोशन होता है, देखिए मोशन जो होता है, गति जो होती है, वो 3 टाइप की होती है, 1D, 2D और 3D। ठीक है, तो 1D आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। 1D मतलब 1 डायमेंशन, जैसा नाम से आपको दिख रहा है, 1D को बोलते हैं एक विमीय। ठीक है, एक विमीय गति, जैसे कोई गाड़ी है, देखो ये कोई गाड़ी है जो सड़क पर चल रही है, तो इसकी जो मोशन हो रही है, जो गति हो रही है, वो क्या कहलाती है? 1D। ठीक है, लेकिन 1D तो हम पढ़ चुके हैं, हमको पढ़ना है 2D, द्विविमीय गति, या 2D क्या होता है मोशन। ठीक है, तो देखिए एक कोई व्यक्ति है, ठीक, ये कोई पर्सन है। यहां पर ये पर्सन जो है वो क्या कर रहा है? ये फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो फुटबॉल खेल रहा है। अब इसने फुटबॉल को पैर से मारा। ठीक है, तो अगर फुटबॉल को पैर से मारेगा तो क्या होगा? फुटबॉल ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। ऐसा ही होगा। तो देखिए, फुटबॉल में जब वो लात मार रहा है तो क्या हो रहा है? फुटबॉल देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है? साथ में थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है। क्यों? देखिए ऊपर जा रहा है ना, ये यहां पर इतना ऊपर गया, फिर यहां ऊपर गया, फिर इतना ऊपर गया, फिर इतना ऊपर गया। तो यहां पर जो आप गति देख रहे हो, फुटबॉल में जब ये लात मारता है तो क्या होता है? फुटबॉल आगे भी बढ़ता है, मतलब 1D गति भी करता है और ऊपर भी जाता है। तो एक गति ये हो गई, दूसरी गति ये हो गई, मतलब पहला मोशन आगे बढ़ना और दूसरा मोशन ऊपर उठना। ठीक है, तो इसमें 2 गति हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं 2D मोशन। ठीक है, तो 2D क्या होता है? 2D क्या होता है? जिसमें 2 डायमेंशन हो, 1 डायमेंशन जो इसको आगे बढ़ा रही है और 1 डायमेंशन जो इसको ऊपर उठा रही है। तो ऐसी जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है? 2D कहलाती है। ठीक है, तो आपकी सिलेबस में 1D आप पढ़ चुके हो, आपकी सिलेबस में है 2D। ठीक, 3D आप आने वाली क्लासों में पढ़ोगे, तो ये हायर जो क्लास होंगी 9th के बाद, वहां पर आपको 3D पढ़ाया जाएगा। अभी हमको मेनली क्या देखना है? 2D देखना है, 2D। ठीक है, 2D समझ गए, 1D ये, दूसरी डायमेंशन ये, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो होता है प्लेन। अब ये प्लेन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं समतल। ठीक है, तो प्लेन क्या होता है? देखिए, अ प्लेन इज अ 2D फ्लैट सरफेस। देखिए 2D आ गया, आ गया ना, अ प्लेन इज अ 2D फ्लैट सरफेस, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति की एक चपटी सतह होती है। तो देखिए इसके लिए एग्जाम्पल, प्लेन क्या होता है? जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया, देखो ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, तो इसकी ये क्या हो गई? ये लेंथ हो गई, तो ये भी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। ये क्या है? इसमें देखिए 2D है, एक तो ब्रेथ, ठीक है, और दूसरी क्या है? लेंथ। अब आप ये नहीं बोलना 4D है, एक ब्रेथ, 2, 3, 4, ऐसा नहीं। लेंथ चाहे आप यहां से लो चाहे यहां पे लो, है तो वो लेंथ ही। अब या ब्रेथ यहां पे लो चाहे यहां पर लो, है तो ब्रेथ। तो एक लेंथ है और एक ब्रेथ है,
टू डायमेंशन फिगर है ये, ठीक है। और कैसा है ये, फ्लैट, देखिए फ्लैट है ना, और कैसा है इसमें सरफेस भी है, देखिए ये सरफेस, ठीक है। तो द्विविमी गति की एक चपटी सतह जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ ऐसा ज्योमेट्री बना दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक प्लेन हो जाएगा। बस ये क्या होना चाहिए, टू डायमेंशन होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेन, हिंदी में क्या बोलते हैं, समतल, ठीक है। अब दो चीजें क्लियर हो गई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्टीशियन सिस्टम, ठीक है, कार्टीशियन सिस्टम ये कहां से टर्म आया, ठीक है। ये अभी जब अपन आगे देखेंगे तब वहां पर ये यूज होगा, कार्टीशियन सिस्टम। तो ये है क्या चीज, हिंदी में बोलते हैं कार्तीय पद्धति, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्तीय पद्धति। तो कार्तीय पद्धति या कार्टीशियन सिस्टम कैसे आया, ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जनरेशन कैसे हुआ, बना कैसे, कैसे दिमाग में आया कि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाना चाहिए। देखिए कैसे आया, सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उनके दिमाग में आया था ये सिस्टम। तब 17वीं शताब्दी के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था, रेनी डेस्कार्टेस, ठीक है। इनका नाम क्या है, रेनी डेस्कार्टेस। देखिए इनके सरनेम में क्या आ रहा है, पूरे नाम में क्या आता है, कार्टेस, कार्टेस आ रहा ना। तो इसी वैज्ञानिक ने, इसी मैथमेटिशियन ने इस सिस्टम का जनरेशन किया था, ठीक है। इसलिए इन्हीं के नाम पर रखा गया है कार्टेशियन सिस्टम, इनके नाम पर, रेने डेस्कार्टेस मतलब इन्हीं के नाम से कार्टेस वर्ड ले लिया है और कार्टेशियन सिस्टम बने। अब इनके दिमाग में कैसे आई ये चीज, तो समझते हैं। तो क्या होता है, ये जो रेने डेस्कार्टेस हैं ये एक बार अपने घर में बैठे हुए थे, ठीक है। ये हैं हमारे साइंस मैथमेटिशियन, ये एक बार अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपने घर की एक दीवाल है जो कि ऐसी है दीवाल एक, ठीक, ये दीवाल, ये देख रहे हैं कि घर की एक दीवाल में क्या हो रहा है, कि एक कोई कीड़ा है, ठीक है, कोई इंसेक्ट है, ठीक है, कोई इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो क्या कर रहा है, दीवाल में चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ये चढ़ रहा है ऊपर, ये ऐसे क्या कर रहा है, दीवाल में ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ठीक। और ये यहां पर देख रहे हो आप, ये क्या है, इसका कोना है दीवाल का, क्या है ये, कोना है, ठीक है। कोने होते हैं ना दीवाल में, है ना, साइड में जो होते हैं, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक कीड़ा क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। इनको क्या लगा कि अगर मुझे इस कीड़े की पोजीशन बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा कि कीड़ा दीवाल में कहां पर है, ठीक है। तो इनके दिमाग में ये सवाल आया कि ये जो दीवाल है, फ्लैट है ये कैसा डिजाइन है, देखिए कैसा है, ये प्लेन डिजाइन है ना, ठीक। तो ये जो दीवाल है इसमें ये जो कीड़ा चल रहा है, इसकी अगर मुझे पोजीशन बताना है कि ये यहां पर है तो मैं कैसे बताऊंगा, इस प्रश्न के जवाब के लिए ही ये कार्टेशियन सिस्टम जनरेट हुआ है, ठीक है। अब कैसे जनरेट हुआ है, देखिए उन्होंने क्या किया कि ये जो उनने सबसे पहले ज्यामिति देखी है दीवाल की, ये कैसी ज्योमेट्री है, ये है प्लेन ज्योमेट्री। अभी मैंने आपको बताया प्लेन क्या होता है ना, फ्लैट सरफेस एरिया होता है जो कि टू डायमेंशनल होता है। तो ये जो दीवार है उसकी ये क्या दी हुई है, ये लेंथ दी हुई है, यहां पर भी क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, ठीक। और ये जो है ये क्या है, उस दीवार की ब्रेथ है, ये दीवार की क्या होगी, ब्रेथ होगी, ठीक। ये क्या हो गया, एक फ्लैट सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, क्लियर। अच्छा अब इस प्लेन के अंदर एक कीड़ा क्या हो रहा है, गति कर रहा है, तो हमको क्या बताना है, इसकी पोजीशन बताना है, क्या बताना है हमको, इसकी पोजीशन बताना है, क्या बताना है, पोजीशन, या बोल सकते हैं स्थिति बताना है, ठीक है। तो इन्होंने इसकी पोजीशन बताने के लिए इस सिस्टम का निर्माण किया था, कार्टेशियन सिस्टम का। ये कार्टेशियन सिस्टम कैसे डिसाइड करता है इसकी पोजीशन, मतलब देखिए मीनिंग समझिए, किसी भी पॉइंट की, मतलब ये जो इंसेक्ट है या जो कीड़ा है इसको हम पॉइंट मान ले अगर,
तो किसी पॉइंट की किसी भी प्लेन में पोजीशन बताने के लिए हम जिस सिस्टम का यूज करते हैं, जिस पद्धति का हम उपयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब कैसे बताएंगे इसकी पोजीशन? तो देखिए, इसकी पोजीशन बताने के लिए हमको दो क्या लेना पड़ेगी, डायमेंशन। तो एक डायमेंशन ये हो गई, ठीक है, ये लेंथ हो गई, और एक डायमेंशन क्या हो गई, ये हो गई, ये क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, तो हम बताएंगे कि ब्रेथ से ये कितनी दूरी पर है और लेंथ से कितनी दूरी पर है। क्लियर है? इसको कैसे हमको सेटलमेंट करना है इसका, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। आप सिर्फ अभी ये समझिए कि रेने डेस्कार्टेस ने क्या किया था कि किसी भी पॉइंट की, है ना, ये इंसेक्ट जो है, ये पॉइंट है, इसकी प्लेन में पोजीशन बताने के लिए इस सिस्टम का निर्माण किया था। ठीक है, और कैसे बताया था उन्होंने कि ये जो पॉइंट है इसकी एक डायमेंशन से डिस्टेंस और दूसरी डायमेंशन से डिस्टेंस अगर आप निकाल लेते हो तो वही इसकी क्या बन जाएगी, इसकी पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसकी पोजीशन के लिए उन्होंने क्या सिंबल यूज किया है, कार्टेशियन सिंबल। इस कार्टेशियन सिस्टम, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, तो कार्टेशियन सिस्टम हो गया, इसके लिए कार्टेशियन सिंबल यूज किया उन्होंने। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा उन्होंने, दो पॉइंट लिखा। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स और वाई। ठीक, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर उन्होंने पॉइंट्स के फॉर्म में इसकी पोजीशन को दिखाया है। कैसे? एक्स वाली पोजीशन क्या दिखा रही है कि ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब यहां तक की जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस को दिखा रही है, मतलब ये लंबाई से कितनी दूरी पर है और यहां से ऊंचाई से कितनी दूरी पर है, ये वाई दिखा रही है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है कार्टेशियन सिस्टम में? पोजीशन लिखी जाती है किसी भी पॉइंट की, कैसे, एक्स कॉमा वाई, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये जो आप लिख रहे हो इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन पॉइंट्स। ठीक है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको। आ गया समझ में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, अभी मैं ये सब मिटा दे रहा हूं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रेने डेस्कार्टेस क्या है, अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई ईच पॉइंट यूनिकली इन अ प्लेन बाय सेट ऑफ न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट। मतलब अगर आप कोई प्लेन ले लो और वहां पर कोई पॉइंट ले लो तो आपको क्या बताना है, इसकी डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, ठीक, जिसकी हम क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स क्या है, फर्स्ट वाली लेंथ को दिखा रहा है, और वाई क्या है, वो ब्रेथ को दिखा रहा है। तो इसको कॉमा लगा के जो आप लिख रहे हो ये कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट। तो आ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई ईच पॉइंट यूनिकली, मतलब इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग वो सारे पॉइंट क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग होंगे, मतलब 1.2 ये अपने आप में अलग है, 2.3 ये अपने आप में अलग है। क्यों? ये तो अलग अलग वैल्यूज है ना, तो ये कैसी वैल्यूज है, न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और इसको अगर आप बनाओगे यहाँ तो 1.2 अलग आएगा और 2.3 अलग आएगा, ऐसा नहीं होगा कि 1.2 के ऊपर ही 2.3 आ जाए। ठीक है, ये अलग अलग होगा हमेशा, तो वही वैज्ञानिक साइंस मैथमेटिशियन ने हमको बताया है। ठीक है, अब आप समझ गए कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो यही क्या कहलाता है हमारा, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, या कार्टेशियन सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक, अब उतना बेसिक आप समझ गए हो तो अब देखिए इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाते हैं अब हम। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जनरेशन क्यों हुआ है, देखिए क्यों हुआ है, किसी भी प्लेन में हमको पॉइंट की क्या बताना है, पोजीशन बताना है। तो एक पॉइंट अगर मैं यहां ले लूं तो मुझे इसकी पोजीशन बतानी है कि ये कितनी डिस्टेंस पर उपस्थित है, ठीक है, या कितनी डिस्टेंस पर है। अब इसको हम बताने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, इसमें हम दो लाइंस लेते हैं, पहली लाइन लेते हैं एक्स, दूसरी लाइन लेते हैं वाई। एक्स कैसी लाइन होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हिंदी में बोलते हैं ये होती है क्षैतिज रेखा। ठीक है,
और ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन होती है ये? वर्टिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज क्या दिखाती है? ये क्षैतिज दिशा वाली, मतलब जो एक्स हॉरिजॉन्टल है ना, जो क्या हो, धरातल के, मतलब जो जमीन से जमीन के साथ पैरेलल हो, वो क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा कहलाती है। और जो ऊंचाई को दिखाती है, ठीक, ये लंबाई को दिखा रही है, ये चौड़ाई को दिखा रही है, या फिर ऊंचाई को दिखा रही है, वो वाली लाइन क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। क्लियर है? इसका अपोजिट यहां पर होता है, इसको वाई डैश बोलते हैं, और इसका अपोजिट यहां होता है, इसको एक्स डैश बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों जहां पर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? ओरिजिन पॉइंट। ठीक, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, यहां पर इस पूरे फिगर में जो भी वैल्यू आप लिखोगे उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखोगे, तो यहां पर जो पॉइंट होता है, इसका पॉइंट होता है 0 0। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु है। ठीक, इस लाइन में देखिए यहां पर क्या होते हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉजिटिव पॉइंट। और इसी के नेगेटिव क्या होते हैं? इस तरफ होते हैं, -2 -3 -4, और चलता जाए। यहाँ पर भी पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पर वाई के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये आगे समझ में? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट यहाँ पर है, हमको इसकी पोजिशन बताना है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बताओगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बताओगे। ठीक है, तो आप इसको कैसा लिखोगे? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखोगे ना, कि एक्स एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है, तो यही उसकी क्या हो जाएगी? पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, एक रूल है इसमें, नियम आप हमेशा याद रखें, जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा एक्स होता है, जो सेकेंड वाला होता है वो हमेशा वाई होता है। ऐसा नहीं आप वाई कॉमा एक्स नहीं लिख सकते। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर में ही लिखना है। अगर आपने लिख दिया 2 कॉमा 3, तो मैं या कोई भी अननोन पर्सन क्या समझेगा? एक्स बराबर 2 है, वाई बराबर 3 है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम तो वाई 2 को माने थे, नहीं हम तो एक्स 3 को माने थे, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट वाला हमेशा एक्स होगा और सेकेंड वाला हमेशा वाई होगा। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें कि ये जो होगा 2 कॉमा 3, यहाँ पर ये वाला एक्स ही होगा और ये वाला वाई ही होगा, मतलब वाई वाला यहीं लिखा जाएगा, एक्स वाला यहीं लिखा जाएगा। अब क्लियर हो गया? तो देखिए, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहलाती है। ठीक है, क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है, एक डायमेंशन एक्स होती है, दूसरी डायमेंशन वाई होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 2D बोलते हैं। ये कैसी ज्योमेट्री है? 2D ज्योमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं? पॉइंट की क्या दिखाते हैं? पोजिशन दिखाते हैं। ठीक, फर्स्ट कैसे दिखाते हैं? एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट के अंदर लिख के। ठीक है, जहां पर फर्स्ट वाला क्या दिखाता है? एक्स की पोजिशन, एक्स एक्सिस से पोजीशन, दूसरी वाली क्या दिखाता है? वाई एक्सिस से पोजीशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर आप इसको मिला रहे हो तो ये क्या बन रहा है? एक ये क्या बन रहा है? ये प्लेन बन रहा है। ठीक है, तो प्लेन कहाँ पर बनता है? 2D ज्योमेट्री में, 2D 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री या 2 डायमेंशनल सिस्टम में ही क्या बनता है? प्लेन बनता है। अब प्लेन यहां भी बन सकता है, प्लेन यहां भी बन सकता है, और प्लेन यहां भी बन सकता है। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बेसिक है। क्लियर हो गया? इसमें हम क्या करते हैं? पॉइंट्स को शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए, एक्स कॉमा वाई, इन एक्स कॉमा वाई, एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये जो एक्स है, ये जो आप ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं हम इसको? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, इसको अगर कंबाइंड बुलाना है तो आप क्या बोलोगे? ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? निर्देशांक लिखे हुए। ठीक है, लेकिन अगर खाली एक्स बस का नाम पूछ ले तो एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा। हिंदी में एक्स बस को क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। ठीक है, एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट।
इस वाई बस को बोलना है तो ये को वर्ड हट जाएगा, खाली क्या बचेगा ऑर्डिनेट, तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, खाली वाई बस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटी। तो एक्स का नाम है एब्सिसा या फिर भोज, और वाई का नाम है ऑर्डिनेट या फिर कोटी। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको चार पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ओरिजिन होता है 0 0, ये 1 2 3, ये पॉजिटिव होते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अच्छा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, हिंदी में बोला जाता है एक्स अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। इसको हमेशा वाई डैश करके लिखना हमेशा। ठीक है, वाई डैश एक्सिस, तो डैश नहीं पढ़ना है, सिर्फ वाई एक्सिस, वाई डैश अक्ष, तो वाई अक्ष, बस ऐसे पढ़ना है, एक्स डैश डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्स अक्ष। क्लियर हो गया। यहां पर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, और ये भी क्या दिखाता है, ये एक्स डैश दिखाता है। यहां पर होते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है, ये वाई को दिखाता है और ये वाई डैश को। यहां होते हैं निगेटिव, है ना, ये निगेटिव वाला क्या है, वाई। अब आप देख रहे हो, जब मैं यहां पर कोई पॉइंट लिखूंगा, यहां पर एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, यहां पर वाई कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब यहां पर एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। यहां पर देख लो, अगर कोई फिगर यहां बन रहा है, यहां पर कोई प्लेन बन रहा है, तो यहाँ एक्स क्या है, निगेटिव, और वाई क्या है, यहाँ पर वाई, ये वाला काउंट करोगे, पॉजिटिव है। ठीक है, यहां देख लीजिए, इसमें एक्स क्या है, एक्स है निगेटिव, और वाई क्या है, वाई भी क्या है, निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। हमेशा याद रखना है, ऑर्डर्ड पेयर होगा, पहला वाला एक्स ही होगा और सेकंड वाला वाई ही होगा, इसी फॉर्म में आपको लिखना है हमेशा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर एक्स क्या है, पॉजिटिव है एक्स, और यहाँ वाई क्या है, ये निगेटिव है। क्लियर हो गया। ये चार पार्ट आपको दिख रहे हैं ना, इन चारों पार्ट के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो पहले तो इन चारों पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, क्या बोलते हैं इनको, ये क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है ये क्या है, चतुर्थांश है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये चतुर्थांश है। तो इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट को द्वितीय चतुर्थांश। क्लियर है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर हो गया। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये आपको पहचानना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आगे सवाल आएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, तभी आप आगे सवाल सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन आता है कि 2 -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 2 -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बताइए। तो देखिए, फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, फर्स्ट वाला क्या दिखाता है, एक्स को दिखाता है, और सेकेंड वाला निगेटिव है, ये वाई को दिखाता है। तो प्लस का एक्स माइनस का वाई कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे समझ में। अब मान लो -2 -3, इसको पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्या बताओगे, ये आएगा, दोनों नेगेटिव है, देखो माइनस का एक्स माइनस का वाई दोनों नेगेटिव, दोनों कहाँ नेगेटिव होते हैं, थर्ड वाले में, तो कहाँ आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया। ये हो गया इस चैप्टर का पूरा बेसिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा चैप्टर का बेसिक है। अब हम आगे एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.2। अब आप बोलेंगे, आपने एक्सरसाइज 3.1 तो पढ़ा ही नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने जो आपको अभी इतना सारा जो बेसिक बताया है, उसी बेसिक का आप यूज करके एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करिए। ठीक है, वो बहुत आसान है, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो आपने बेसिक सीखा है, उसके हिसाब से आप वो दोनों ही सवाल सॉल्व कर सकते हो, और आप उसको कोशिश करो करके देखने की। ठीक है,
और अगर नहीं बनता है फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझसे 3.1 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही है, या जहाँ पर तो आपको दिक्कत आ रही है आप वहाँ मुझे बता सकते हो कमेंट करके। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसका भी लेक्चर अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने बेसिक बताया आप उसका यूज़ करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 3.2 से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। वॉट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन इन द कार्टिशियन प्लेन। अब आपको समझ में आ रहा होगा पूरी लैंग्वेज क्या है। कार्तीय तल में स्थिति निर्धारण के लिए खींची गई क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम, क्षैतिज लाइन का नाम क्या था? एक्स एक्सिस। क्या नाम था? एक्स अक्ष, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वाली का क्या नाम था? वाई एक्सिस, हिंदी में वाई अक्ष। किया गया आंसर। अगर आपने बेसिक समझा है तो बहुत आसान है। चलिए स्टूडेंट सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच ऑफ द प्लेन फाइंड बाय दीज टू लाइंस। इस तल में बनी इन दोनों रेखाओं का नाम लिखिए। ये हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया है, रेखाओं का नाम नहीं बताना है, रेखाओं से बने बने तलों के नाम बताना है, ठीक है। किसके नाम? रेखाओं से जो तल बन रहे हैं, इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है। ये जो आप एक्सिस बना रहे हो, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है। ये जो तल बन रहे हैं प्लेन, ये चार प्लेन बन रहे हैं अभी मैंने बताया, इनके क्या बताना है? नाम बताना है। मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड वाले को सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। आप इनके क्या लिख सकते हो? कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, है ना, निर्देशांक भी। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में एक्स निगेटिव वाई होता है पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं ना, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है वाई निगेटिव होता है, ठीक है। आगे समझ में। अब तीसरा देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। बहुत आसान है, उस बिंदु का नाम लिखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये दोनों लाइन कहाँ पर काटती हैं? अभी मैंने आपको बताया इस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। सिस्टम को ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स है ना, ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 में आ गए, बहुत आसान है। देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के निर्देशांक बताना है। देखिए बहुत आसान है, बी के निर्देशांक आप हमेशा याद रखिए, फर्स्ट वाला लिखना है एक्स और सेकेंड वाला लिखना है वाई। बी के कोऑर्डिनेट, बी कहाँ पर है? देखो बी है ना हमारे पास। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, पेन बदल लेता हूँ मैं। ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। बी में देखिए यहाँ पर एक्स कितना है? माइनस का 5। तो पहले क्या लिखना है? माइनस का 5 लिखना है। यहाँ लिख देता हूँ, पहले लिखना है माइनस का 5 और सेकेंड क्या लेते हैं? माइनस का 5 एक्स हो गया। और वाई कितना है? देखिए वाई किससे मिल रहा है? 2 से, तो कॉमा लगा के प्लस का 2। ये वाई बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के निर्देशांक बताना है। सी के निर्देशांक कहाँ है? सी कहाँ है? सी देखो, सी ये है, इसमें एक्स कहाँ पर? ये एक्स है, तो फर्स्ट वाला प्लस का 5 आ गया और सेकेंड वाला ये क्या है? माइनस का 5। तो वाई क्या है? माइनस का 5। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? प्लस का 5 माइनस का 5, क्योंकि देखो एक्स 5 है, 5 से आ रही है ना ये लाइन, और यहाँ पर माइनस 5 से आ रही है, तो प्लस का 5 माइनस का 5। फर्स्ट वाला क्या होता है? एक्स, सेकेंड वाला वाई। चलिए आगे। द पॉइंट डिटरमाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। मतलब ये -3 -5 कौन से, ये जो अल्फाबेट है उसका पॉइंट है। तो माइनस का 3 कहाँ आएगा? ये है माइनस का 3, इसको आगे बढ़ा दिए हैं कहाँ तक? ये माइनस का 5। माइनस का 3 यहाँ आ रहा है, माइनस का 3 और माइनस का 5 यहाँ आ रहा है, कौन सा पॉइंट हो गया? ये हो गया हमारा ई वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। 2 और -4 कहाँ है? 2 ये है, 2 मतलब एक्स का 2, तो एक्स का प्लस 2 ये है, और माइनस का 4, तो माइनस का 4 वाई है, माइनस वाई नेगेटिव कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये हो गया माइनस का 4, दिख रहा है ना, इससे यहाँ आगे बढ़ा है और ये प्लस का 2,
ये आ गया 2 माइनस 4, कौन सा पॉइंट हो गया ये, जी, मतलब ये जो है ये वाला ये क्या होगा, जी होगा, ठीक है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, बिंदु डी का भुज क्या होगा, डी है कहां पर, डी है, एक्स वाला कितना है इसकी वैल्यू, देखो एक्स वाली वैल्यू है इसकी 6, 6 से आ रहा है, कॉमा वाई वाली वैल्यू कितनी है, 2 से आ रही है लाइन, तो ये हो गया 2। तो इसका हमको क्या बताना है, एब्सिसा बताना है, एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स वाले को, ये हो गया इसका एब्सिसा, या क्या हो गया ये हो गया इसका भुज, ठीक है। अब क्या बताना है, एच के निर्देशांक बताइए, एच कहां पर है, एच ये है, एक्स की वैल्यू देखिए -5 से लाइन आ रही है, तो ये -5, वाई की लाइन कहां से आ रही, -3 से, तो ये -3, ठीक है। एल के निर्देशांक बताना है, वेयर इज एल, एल दिख रहा है, एल ये है, ठीक। यहां पर देखिए ये पॉइंट आपको शो करना है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, देखिए यहां पर सिर्फ y की वैल्यू दी है, क्या दिया है, y बस दिया है 5, y लिख दो, x क्या है, x तो दिया ही नहीं है, तो x क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिए, चलिए अभी मैं बता दूं, पहले मैं ये बता देता हूं, m के निर्देशांक और देख लो, m के कहाँ है, m ये कहाँ पर है, x एक्सिस में है, देखो तो इसमें वैल्यू कितनी है x की, -3, इसमें y तो है ही नहीं, y की लाइन आ ही नहीं रही है कहीं से, तो y क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। स्टूडेंट आप समझिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए ये मैंने ले लिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, x एक्सिस में अगर आप कोई पॉइंट लोगे, मान लो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 3, यहाँ y है क्या, नहीं है, तो कैसे लिखोगे इसको, पहला x का मतलब 3 और y है 0, तो x एक्सिस में ध्यान से सुनिए, x एक्सिस में y हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कई बार, x अक्ष में y की वैल्यू क्या होती है, 0, x एक्सिस में y क्या होता है, 0। सेम इसका उल्टा करोगे तो y एक्सिस में कोई पॉइंट ले लोगे तो यहाँ आएगा 0 2, या ये 2 है मान लो, ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, y एक्सिस में x की वैल्यू क्या आती है, 0। तो ये भी हमेशा याद रखिए कि y अक्ष में, y एक्सिस में x क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। x एक्सिस में y 0 होता है और y एक्सिस में x 0 होता है, ठीक। शो करने का तरीका, x में है तो x की वैल्यू लिख दो, y की 0 लिख दो, y में है तो y की वैल्यू 0 लिख दो, सॉरी x की वैल्यू 0 लिख दो और y की वैल्यू वैसी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिख दिया आंसर, तो ये हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं, अब हम आ गए हैं कहां पर, एक्सरसाइज नंबर 3.3, ठीक है। अब हम इसमें देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सेस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं लाइन, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ये क्या है, ये है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये पूरा क्या कहलाता है, कार्टेशियन सिस्टम, ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश, ये 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। ये आगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। देखिए स्टूडेंट इसमें एक चीज याद रखिए, ये जो आप बना रहे हो, ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इसको आप हमेशा ग्राफ वाली एक कॉपी आती है उसमें ड्रॉ करना, ठीक है। और अगर उसमें आप ड्रॉ नहीं करते, नॉर्मल कॉपी में करते हो, तो आप इसको स्केल से करना। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3, इसके बीच में जो ये गैप देख रहे हो ना, ये इक्वल होता है, ठीक है। मतलब इसके बीच में छोटी छोटी कितनी, 10 लाइनें होती हैं, कितनी लाइनें होती, 10 लाइनें। ग्राफ कॉपी में ये पहले से बनी होती हैं, आपको बनानी नहीं पड़ेंगी, लेकिन आप नॉर्मल कॉपी में बनाओगे तो फिर आपको ये लाइंस भी बनानी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन आपको जो बीच में गैप है वो सबके इक्वल होना चाहिए, तो 10 लाइन यहाँ भी होती हैं, 10 लाइन यहाँ भी होती हैं, 10 यहाँ भी होती हैं, सबके बीच में क्या होता है, इक्वल गैप। ये आप 1 2 3 की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है,
5, 10, 15, लेकिन गैप क्या होना चाहिए, आपको इक्वल ही लेना है, और इनमें भी आपस में गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक्स एक्सिस में जो रूल लग रहा है वही वाई में भी लगता है, जरूरी नहीं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ लिए तो यहाँ भी वही लें, यहाँ क्या ले सकते हैं 20, 30, 40, 50 कुछ भी ले सकते हैं, जैसी वैल्यू लेना हो, लेकिन गैप क्या होना चाहिए सेम। सिर्फ आपको ये रूल याद रखना है कि इनके बीच का गैप सेम होना चाहिए, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए अब हमें बताना है -2 और 4 कहाँ पर आएगा। तो -2 और 4, ये पहला वाला क्या होता है, ये एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। तो -2 x -2 कहाँ पर है, तो देखो ये एक्स है, -2 कहाँ आएगा, ये आएगा इधर पे, ये हो गया -2। वाई कितना है, 4। वाई यहाँ, वाई 4+ का कहाँ होता है, ये है। तो आप क्या करो, इस -2 को ऊपर बढ़ाओ, ठीक है, ये बढ़ा दिया हमने, और इस 4 को यहाँ बढ़ाओ, तो ये जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है यही क्या कहलाएगा, -2 और +4। ठीक है, देखो यहाँ प्लस का एक्स और ये, सॉरी माइनस का एक्स और ये प्लस का वाई मिल गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो समझ में आ गया, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, आगे हमने ड्रॉ कर दिया, सेम वैसे 3 और -1 कर लो, ये एक्स है, ये वाई है, तो x = 3, एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, ये है एक्स पॉजिटिव, ये 3 आ गया। वाई निगेटिव -1, -1 यहाँ होता है, ये -1, तो -1 वाला आप बढ़ाओ, कहाँ तक बढ़ाओगे इसको, इसके यहाँ 3 तक बढ़ाओगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है ये क्या कहलाएगा, 3, -1। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया। -1 और 0, x -1 है और 0 y एक्सिस का 0 है, x = -1 कहाँ आता है, ये पॉजिटिव x है, ये निगेटिव x है, x = -1 ये आ गया, यहाँ पर y तो 0 ही होगा, तो x वाला लिख दो, ये माइनस का 1 और 0 अपनी जगह, तो ये x एक्सिस का पॉइंट है, यहाँ पर y हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ये पूरी लाइन में y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो ये हो गया -1 और 0। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्लियर। 1, 2, तो +1 +2, तो +1 मतलब x की वैल्यू +1, तो ये है 1, ठीक है, y की वैल्यू +2, तो ये है। इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, ये दोनों जहां पर काटेंगे वही क्या कहलाएगा, 1, 2, है ना, ये x और ये y कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। लास्ट ले लेते हैं -3 -5, मतलब -3, तो x माइनस का कहाँ होता है, ये है -3, इसको बढ़ा दो आगे, ठीक है, फिर -5, क्या y -5, तो y पॉजिटिव यहाँ, निगेटिव यहाँ, जब इसको बढ़ाओगे तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ इसको बढ़ा दे रहा हूँ मैं, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है इंटरसेक्शन, ये क्या कहलाएगा, -3 -5, माइनस का x और माइनस का y दोनों निगेटिव है, क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने ये वाला सवाल भी सॉल्व कर दिया। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक, क्या बोल रहा है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। मतलब ये एक्स के ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, इसका मीनिंग समझ रहे हो, ये क्या है, देखो पहला पॉइंट क्या है, -2 + 8, इसका ये मतलब हुआ, मतलब एक्स वाला -2 है और वाई वाला 8 है, वैसे यहाँ लोगे तो x है -1, y है 7, ठीक है, ये क्या है, x 0 और y -1.25, फिर x 1 है, y 3 है, फिर x 3 है, y -1। हमको क्या करना है, इन पॉइंट्स को इसमें शो करना है, ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मान रखना पड़ेगा, ये हो गया 0 0, ये x एक्सिस है तो ये x डैश है, ये y है तो ये y डैश है, यहाँ x पॉजिटिव होता है, ठीक, ये पॉजिटिव वैल्यू लिख दी हमने, है ना, और यहाँ पर क्या होता है, y x नेगेटिव होता है, ये हमने नेगेटिव लिख दी। अब y ले लेते हैं, y यहाँ पर पॉजिटिव,
ये आ गया वाई पॉजिटिव, ठीक है 8 है ना। अब यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, क्लियर। सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस होगी है ना, उनके बीच का गैप भी इक्वल होगा। देखो एक एक का गैप है, यहाँ भी एक एक का गैप। अब हमको इन पॉइंट्स को शो करना है। पहला वाला देखते हैं, माइनस का 2 प्लस का 8। माइनस का 2 मतलब एक्स क्या है, -2, तो एक्स माइनस होता है यहां पर, प्लस का 8 है तो इस 2 को आप बढ़ा दीजिए, कहां तक बढ़ा दें 8 तक, और ये y क्या हो गया, y का 8। ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये क्या मिल गया हमको, माइनस का 2 और प्लस का 8, ये मिल गया हमको पहला पॉइंट। सेकेंड -1 और 7, ये हो गया माइनस का 1 x वाला, इसको आप आगे बढ़ा दो कहां तक, 7 तक, ये हो गया y का 7। y के 7 वाले को भी आगे बढ़ाओगे तो यहां पर इंटरसेक्शन होगा, ये जो पॉइंट मिलेगा ये होगा -1 और +7, क्लियर है। नेक्स्ट 0 -1.25, तो x वाला 0 है, वो कहां 0 होता है, y वाले में, लेकिन हमको ये कौन सा लेना है, -1.25, तो माइनस वाले कहां है y में, ये नीचे है, -1 तो ठीक है 0.25, तो आप 0.2 तक ले लो -1.2। इसके बीच में मैंने आपको बताया ना 10 लाइनें होती, तो आप सेकेंड वाली लाइन ले लेना, सेकेंड वाली 10 लाइनें होती तो सेकेंड वाली आप लाइन ले लोगे, ये जो पॉइंट आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0 और -1.25, एक्स वाला 0 वाई वाला नेगेटिव, तो यहीं पर आएगा ये, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट अगर आपसे पूछे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है तो बताइए, कैसे बताओगे, देखिए इसको याद रखिए, यहां पर आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां सेकेंड, यहां थर्ड और यहां फोर्थ, ये तो क्वाड्रेंट में ही नहीं आ रहा, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं, ये कहां पर आ रहा है, ये एक्सिस में आ रहा है, ठीक है। कहां पर आ रहा है ये पॉइंट, अक्ष में आ रहा है, लाइन में ही आ रहा ना, इस लाइन को क्या बोलते हैं एक्सिस, कौन से एक्सिस में आ रहा है, वाई डैश एक्सिस में आ रहा है, ठीक है। ऊपर आएगा तो वाई एक्सिस में आ रहा है, यहां आएगा तो एक्स एक्सिस में आ रहा है, एक्स अक्ष में, और यहां आएगा तो एक्स डैश एक्सिस में आ रहा है, मतलब एक्स डैश अक्ष में आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 1.3, 1.3 को कैसे ड्रॉ करेंगे, प्लस का 1 प्लस का 3 ये है, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट हो जाएगा 1.3। फिर है 3, -1, तो एक्स वाला पॉजिटिव का 3, नेगेटिव का वाई -1 ये है, इसको आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, ये जो पॉइंट आपको मिल गया ये क्या है, 3, -1, ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर दिया। सो आई होप आपको ये चैप्टर बेसिक से लेकर के एक्सरसाइज 3.3 तक पूरा समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, तो आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट वहां भी बता सकते हैं, मैं आपकी वहां पर भी हेल्प कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।